वेलकम बैक माई YouTube चैनल एजेस्टिबल। दोस्तों, मैं हूँ सुमन शर्मा, आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है अपने फेस को जो है ग्लोइंग और शाइन करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट जो है हम यूज़ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और किस तरह से जो है हमने इसको यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम कौन से इंग्रेडिएंट जो है यूज़ करेंगे, हम करेंगे विटामिन बी के ये कैप्सूल यूज़। इन ये वाले जो हैं कैप्सूल इवियन कंपनी के हैं, ये वाले कैप्सूल जो है मैंने मार्केट से ले लिए थे। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है इनको ले सकते हो। ये बिल्कुल 30-35 रुपये तक का ये आपको पूरा पत्ता पड़ता है, तो आप इसका यूज़ करेंगे हम। और उसमें उसके बाद जो है हमने ये पतंजलि एलोवेरा जेल लिया हुआ है। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो इसको बनाने के लिए। आप अगर इसको रात को सोती बार यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा झाइयाँ रह रही हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स रह रहे हैं और आप जो है उम्र से पहले ही बूढ़े नज़र आ रहे हो, जैसे कि अगर आप 30 की ऊपर की एज के हो गए हो, तो आप अपनी स्किन को जो है ग्लोइंग और नेचुरल बनाना चाहते हो तो आप जो है इन इन्ग्रीडियंट का यूज़ करके जो है अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग जो है अपने आप को बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किस तरह से हमने इसको। दोस्तों, मैंने एक कटोरी ले ली है और एक चम्मच ले ली है। कटोरी और चम्मच के साथ ही हम जो है इसको तैयार करेंगे और किस तरह से हमने जो है इसको बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमने एक चम्मच के करीब जो है इसको जेल को ले लेना है, एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश जेल है तो आप भी वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोई सा भी एलोवेरा का जेल जो है इसमें ले सकते हो। एक चम्मच के करीब मैंने जो है इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद जो है इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ये विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है। इसकी भी हम जो है 4-5 बूंदे ही इसके अंदर डालेंगे, इतनी ही होती है। चलो, आप पूरा कैप्सूल भी डाल सकते हो, इसके अंदर इतना ही ऑयल होता है। तो हम जो है इस एक कैप्सूल को जो है इसके अंदर डाल लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है हमारी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए और हमारी विटामिन की कमी को स्किन के अंदर पूरी करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये जो है हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, हर एक क्रीम में भी यूज़ किए जाते हैं। तो हम जो है विटामिन ई का कैप्सूल जो है इसका जेल यूज़ करेंगे और इसका देखना आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। इस तरह से दोस्तों आपने इसको डाल देना है और इसको जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को जो है हमने अपनी फेस पे अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छा जो है इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छे जो है क्रीमी शेड में ये आ जाएगा। इस तरह की शेड जो है आपको देखने को इसकी मिलेगी। तो इस तरह से हमने इसको बना जो है अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमने इसको लगा लेना है। पहले सर्कुलर मोशन में जो है आपने इसको, जैसे हम क्रीम लगाते हैं या किसी भी तरह का लोशन आप यूज़ करते हो, उस तरह से जो है आपने इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। जो भी आपके फेस के ऊपर पिम्पल्स हैं, छाइयाँ हैं, रिंकल्स हैं या किसी भी तरह की सन टैनिंग हो रही है, उसको आप बहुत ही आसानी से जो है इसके माध्यम से रिमूव कर सकते हो और बहुत ही अच्छा वो जो है आपके फेस के ऊपर इसको लगाने के बाद आ जाएगा। हमने जो है पूरे इसको एज ए स्क्रबर जो है यूज़ करना है। इस तरह से जो है आप इसकी मसाज अपने फेस पे कर सकते हो और इसको यूज़ करने के बाद जो है आप चाहे, अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो तो कम से कम इसको जो है आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दें। अगर आप रात को यूज़ कर रहे हो तो आप सारी रात भी इसको लगा के छोड़ सकते हो। मॉर्निंग टाइम पे जो है आप बिल्कुल ठंडे पानी से, साफ पानी से जो है इसको साफ़ करना है। इस तरह से जो है हमने पूरे फेस के ऊपर इसकी स्क्रबिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से जो है हमने इसको स्क्रब कर लेना है और अच्छी तरह से जो है हमने इसको लगा के छोड़ देना है।
देख सकते हो दोस्तों किस तरह का ग्लो जो है मेरे फेस के ऊपर आ गया है। मैंने ज़्यादा देर इसको यूज़ नहीं किया था, ओनली 420 या 50 मिनट के लिए मैंने रखा था। और अगर आप पूरी रात रखते हो तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा जो है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और विटामिन की कमी जो हमारी स्किन के ऊपर होती है उसको भी ये ख़त्म करता है। और जो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स, छाइयाँ, जैसे कि सन टैनिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस रहती है आपकी स्किन, तो उसको भी ये जो है बहुत अच्छे से करता है, प्रोटेक्ट करता है। और साथ में अगर दोस्तों आपकी स्किन जो है ड्राई बहुत ज़्यादा रहती है, तब भी जो है इसको यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा निखार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।